फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। और फ्रेंड्स, जो हज़ीरान है वो चाहती है कि जो पोयरात है उसको जाने से रोक ले। तो फ्रेंड्स, हज़ीरान अभी टोक्यो नहीं जाएगी बल्कि इस्तांबुल जाएगी और पोयरात उसको नहीं रोकेगा। लेकिन जो पोयरात है उसे बाद में रियलाइज़ होगा कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की हज़ीरान को जाने देकर। और फ्रेंड्स, जो हज़ीरान है वो तो चले जाएगी लेकिन जो पोयरात है वो उसके पीछे जाएगा इस्तांबुल। तो देखें फ्रेंड्स, वहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा सीन शूट कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजेस मिलेंगे हमें हज़ीरान और पोयरात के रिलेशनशिप में। और फ्रेंड, जो पोयरात होगा हज़ीरान पे गिव अप नहीं करेगा, उसके पीछे जाएगा उसको मनाने, उसको वापस लाने। तो देखें फ्रेंड्स फिर क्या बनेगा और हज़ीरान के टोक्यो के ट्रिप का क्या बनेगा, क्योंकि वो उसकी ड्रीम जॉब है। तो देखें फ्रेंड, जो पोयरात और हज़ीरान के रिलेशनशिप है अब उसमें बहुत अच्छी डेवलपमेंट आएगी। बेशक फ्रेंड, जो हज़ीरान है वो यहाँ से चले जाए लेकिन वो इस्तांबुल में काफ़ी ज़्यादा शूट सीन कर रहे हैं। तो देखें फ्रेंड्स क्या बनता है और जो हज़ीरान है वो कैसे पोयरात को माफ़ करेगी, क्योंकि फ्रेंड्स वो नहीं चाहती थी कि इन दोनों का ब्रेकअप हो। लेकिन जो पोयरात ने उसने बहुत जल्दी हज़ीरान को गिव अप कर दिया जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है। तो देखें फ्रेंड्स, पोयरात अपनी मिस्टेक को कैसे फिक्स करता है और कैसे दोबारा से हज़ीरान को बनाता है, क्योंकि फ्रेंड्स हज़ीरान बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी और लास्ट मोमेंट तक वो पोयरात का वेट कर रही थी कि पोयरात उसको रोकने आए और वो रोकती भी है टैक्सी को ताकि वो पोयरात का वेट कर सके। लेकिन फ्रेंड, पोयरात नहीं आएगा और वो जब आएगा हज़ीरान जा चुकी होगी और लेट हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स वो हमेशा डिसीजन करने में लेट हो जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये डेवलपमेंट रहेगी कि वो हज़ीरान के पीछे जाएगा और उसको पीछा करेगा ताकि उसको वापस ला सके, उसको मना के ला सके, क्योंकि फ्रेंड्स उसको समझ आ जाएगी कि वो हज़ीरान के बगैर नहीं रह सकता। तो देखिए फ्रेंड्स फिर क्या बनेगा हज़ीरान और पोयरात के रिलेशनशिप में, अब क्या न्यू डेवलपमेंट आएगी, कैसे दोनों का पैचअप होगा और जो हज़ीरान है वो कैसे वापस आएगी, या ये दोनों मिलकर इस्तांबुल में स्टे करेंगे और अपनी फैमिलीज को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स फिर क्या बनता है। हज़ीरान और पोयरात की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है और फ्रेंड्स, जो हज़ीरान है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होगी जब वो पोयरात को देखेगी। तो देखिए अब जो पोयरात है उसका नेक्स्ट डिसीजन क्या होगा, वो हज़ीरान के पीछे जाएगा तो उसको ज़रूर मनाने की भी कोशिश करेगा और वापस लाने की भी। तो देखें कितना टाइम लगेगा पोयरात और हज़ीरान को दोबारा से एक होने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अंटिल द नेक्स्ट वीडियो।